अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण को लेकर जोर शोर के साथ चर्चा हो रही है। गोपाल राय का बयान सामने आया है। गोपाल राय ने इस बात का जिक्र यहां पर किया है कि 13 इलाकों में AQI 300 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली का औसत AQI लेवल खराब श्रेणी में है। 13 हॉटस्पॉट का कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई। बड़ी संख्या में गाड़ियां प्रदूषण का कारण है। गोपाल राय ने इस बात का जिक्र किया है। आनंद विहार में यूपी की डीजल बसों की वजह से AQI बढ़ चुका है, इस बात के संकेत खुद गोपाल राय ने दिए हैं। यूपी की डीजल बसों की वजह से AQI बढ़ा और इस बात का जिक्र यहां पर गोपाल राय की तरफ से किया गया है। प्रदूषण राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर किसी को रहना है तो राजधानी दिल्ली में रहना है, और सबसे ज्यादा यहां पर अगर इस्तेमाल गाड़ियों का होता है तो राजधानी दिल्ली है। और इसीलिए गोपाल राय ने भी इस बात का जिक्र किया है कि डीजल की गाड़ी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ये तमाम खबरें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं जो न्यूज रूम लाइव में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ दिल्ली और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, जानकारी क्या है आपके पास? गोपाल राय का बयान सामने आया है और सीधे तौर पर उन्होंने जिम्मेदार ठहरा है डीजल की जो गाड़ियां हैं उसी के कारण ये प्रदूषण सबसे ज्यादा है। देखिए सूर्य, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम दिल्ली वाले, हमारे हर साल की यही कहानी, आंखों में है जलन और नाक से बहता हुआ पानी, और हम आखिरकार जाएं तो जाएं कहां, सांस लें तो लें कैसे, और जब भी ये जिक्र आता है तो कहते हैं कि साहब पंजाब से जो पॉल्यूशन आ रहा है वो पराली का पॉल्यूशन है, हरियाणा और पंजाब इसके लिए जिम्मेदार है। अब जब पंजाब में सरकार आ गई आम आदमी पार्टी की, तो फिर आखिरकार पंजाब जिम्मेदार नहीं, हरियाणा जिम्मेदार है। दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं तो यूपी में साहब सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ दिए, जिस वजह से उसका धुआं दिल्ली में आ गया, इसलिए दिवाली के समय बढ़ा तो यूपी जिम्मेदार हो गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि फरीदाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहां से जो बसें आ रही हैं और उनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे अगर प्रदूषण फैलता है तो यूपी का ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद या फिर हरियाणा का फरीदाबाद और गुड़गांव जिम्मेदार है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी कब तय करेगी? हर साल अगर पराली का प्रदूषण फैलता है तो हरियाणा जिम्मेदार है, पटाखों का प्रदूषण फैलता है तो यूपी सरकार जिम्मेदार है, आखिरकार दिल्ली सरकार कब जिम्मेदार है? और वही पुराना राग एक बार फिर से लाभ दिया है गोपाल राय ने। हालांकि ग्रैब बंद को अब लागू करने की बात कही गई है, 7 तारीख से लगाकर और 7 नवंबर तक, यानी 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एक महीने तक दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन चलाए जाने की बात कही गई है। और हमने देखा कि अभी 7 तारीख को जब पहले इस दिन की शुरुआत थी तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल का जो ब्लॉक है, जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो नया उनका उनकी बिल्डिंग बन रही है, उसकी जो बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर वहां पर 5 लाख का जुर्माना ठोक के ये बता दिया कि साहब हम तो कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं। आखिरकार ये सिर्फ जो दिखावे की राजनीति है, इससे दिल्ली सरकार कब आजी जाएगी, कब वो जिम्मेदारी लेगी, कब वो ये तय करेगी कि आखिरकार कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी हैं, कुछ काम उनके भी हैं। दिल्ली की आपने हुकूमत, दिल्ली वालों ने आपको सौंपी, आपको सरकार में बिठाया है, तो आखिरकार आप भी अपनी जिम्मेदारी लीजिए और अपनी जो अपनी जिम्मेदारी है उसको समझिए। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जब हम अभी अक्टूबर के महीने में इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक साल तक कोई चर्चा नहीं होती प्रदूषण की, नहीं पराली की नहीं, जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आ जाता है तब हम और आप चर्चा करने लगते हैं और एक खबर बहुत बड़ी बन जाती है। मोहित, बिल्कुल सूर्या, मैं यही कह रहा हूँ कि जब पराली का पोल्यूशन फैलता है तो ये कहते हैं कि साहब पड़ोसी राज्यों से आ रहा है, हमारा कोई इसमें हक नहीं है, कोई हमारा इसमें हाथ नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको याद हो, अभी कुछ महीने पहले ये हम देख रहे थे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में दिल्ली में वाटर क्राइसिस थी, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पीने का पानी लोगों को मैसर नहीं हो रहा था, तो उस समय आपने देखा था कि दिल्ली के संजय कैंप इलाके में कैसे लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया पड़ोसी सूबे, पड़ोसी राज्य हरियाणा को, कि हरियाणा साहब हमारे
हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है, बताइए हम क्या करें। वहां पर आधे से अधिक दिल्ली सरकार की पाइपलाइनें फूटी हुई थी जिससे पीने का पानी बह जाता था, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी, वो आरोप बढ़ दिया हरियाणा सरकार के ऊपर। ठीक उसी तरीके से अब जब पॉल्यूशन है, अब आप सूर्या मेरी बात समझिए, जिस चीज का जिक्र गोपाल राय ने किया, उन्होंने कहा कि हमने जो 13 जोन जो हमने अलग अलग छांटे हैं, 13 जो स्पॉट हमने छांटे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, उसमें उन्होंने आनंद विहार का जिक्र कर दिया। उन्होंने इसी आनंद विहार इलाके में मेरी मौजूदगी है और मैं अपने कैमरा सहयोगी से ये गुजारिश भी करूंगा कि आपको दिखा दे, आप देखिए सूर्या, दो तस्वीरें समझिए। गोपाल राय ने आज आरोप लगाया, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है अपने दर्शकों को पहले सुनाते हैं। एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हॉट स्पॉट्स का इंचार्ज बनाया गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश से डीजल की BS3 और BS4 की गाड़ियां वहां पे आ रही हैं, और ठीक आनंद विहार के सामने रोड के उस पार भी इस तरह की गाड़ियों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा है जो वहाँ के AQI को बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नौटंकी की जगह थोड़ा कुछ कदम उठाने चाहिए। सारे भाजपा की सरकारें हैं दिल्ली के चारों तरफ, भाजपा के मंत्री सो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कहाँ है किसी को नहीं पता। तो गोपाल राय को आपने सुना, तमाम तरीके के उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदूषण के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। अगर जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार अक्टूबर और नवंबर के महीने का होता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी के लिए।